प्रिंटेड शर्ट काटने का तरीका। सबसे पहले पटरी की सहायता से एक सीधी लकीर खींचेंगे और फिर 2 इंच फैशन पट्टी का निशान नीचे लेंगे। शर्ट की लंबाई है 27, तो हम आधा इंच बढ़ा के 27.5 इंच निशान लगाएंगे और 1 इंच नीचे दामन का दबा देंगे और इसी तरह इधर सामने भी लगा लेंगे इतना इंच निशान। फिर पटरी से निशान बराबर कर देंगे। शोल्डर हमारे हैं 17 इंच, 17 के आधे हुए 8.5। आर्मोल हम 8 इंच रखेंगे। सीना हमारा 32 है तो 32 को 4 भागों में बांटेंगे तो 8 इंच, 8 इंच सीने का निशान, 2 इंच का मार्जिन देंगे। शोल्डर का निशान में 8.5 इंच लगाते तो आधा इंच बढ़ा देंगे, 9 इंच कर देंगे। दामन हमें 9.5 इंच तैयार चाहिए तो हम आधा इंच बढ़ाकर 10 इंच लगाएंगे। हम पटरी की सहायता से सभी निशान उठा देंगे। अब हम बैग बिछाएंगे। जो 16 लिखा हुआ है ये तुम बीचों बीच बैग बिछाइए तो 20 से आधा आधा कर लेंगे। बैग हमेशा सामने से 5 इंच कम रखी जाती है।
हमने आर्म और 8 इंच रखा था, तो 1 इंच बढ़ाएंगे इधर 9 इंच कर देंगे। और हमारी आस्तीन की लंबाई 23 है, तो 1 इंच घटाकर 22 रखेंगे। और मोहरी 5.5 इंच रखेंगे। ये हमारी आस्तीन की नाप हो गई, अब इसे हम काट देंगे। की ताल छाटेंगे, 4 की सहायता से निशान लगा लेंगे और फिर काट देंगे। चाक पट्टी का निशान 5 इंच देंगे।